जनपद बिजनौर के धामपुर निवासी 4 माह पूर्व पल्लव पुत्र अशोक अग्रवाल की गुमशुदगी धामपुर थाने में उसके पिता अशोक अग्रवाल द्वारा दर्ज कराई गई थी। पिता ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपने पुत्र के शव की शिनाख्त करते हुए उसका दाह संस्कार भी कर दिया था। लेकिन इस कहानी में उस समय नया मोड़ आ गया जब 18 तारीख में मृतक पल्लव ने अपने पिता अशोक कुमार अग्रवाल से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पल्लव के पिता ने धामपुर कोतवाली में फिरौती की पूरी कहानी धामपुर पुलिस को बताई। पुलिस विभाग में फिरौती को लेकर हड़कंप मच गया, जिस पर पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल सर्विस लाइन्स के माध्यम से आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार कर धामपुर थाने ले आई। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि अब तक आरोपी पल्लव अग्रवाल से 3.5 लाख रुपए ले चुके हैं, लेकिन इस संबंध में जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने पल्लव के पिता अशोक अग्रवाल पर ही सारा आरोप लगा दिया। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 24 न्यूज इंडिया वेब पोर्टल चैनल के लिए बिजनौर से अमीन अहमद की रिपोर्ट। धामपुर के रहने वाले अशोक अग्रवाल, जिनका बेटा है पल्लव, पल्लव डिप्रेशन में थे। इन लोगों में कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा किया। उसमें प्रमुख रोल है संजीव तोमर की। अपहरण की, मारने की तमाम प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा किया है, और उसी दौरान संजीव तोमर पल्लव को लेकर के बाहर गए। फिर एक चूँकि डिप्रेशन के ऑलरेडी मरीज चल रहे थे, दिल्ली में एक डेड बॉडी दिखाई गई, इन्होंने देखा और कुछ पहचान किया कि मेरे बेटे का है। दाह संस्कार किया, सारी चीज़ें क्रियाकर्म किया। इसी दौरान फोन आता है एक्सटॉर्शन के रूप में, जो कि संजीव तोमर, दीपक और शुभम ने ही करवाया था 20 लाख रुपए की। कल ये मेरे पास आए थे, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम ने और इंस्पेक्टर धामपुर ने प्रयास करके चारों लोगों को राउंडअप किया जो कि थाने पर हैं। गहन पूछताछ के बाद इन लोगों ने तमाम प्रकार की स्टोरी बताई, बाप को बेटे के खिलाफ, बेटे को बाप के खिलाफ करने की कोशिश किया। लेकिन लबोलबाप अब ये ज्ञात हुआ है कि संजीव तोमर, दीपक और शुभम, इन्होंने एक्सटॉर्शन के रूप में अशोक अग्रवाल से पैसा लिया और आगे भी योजना थी। अब इनकी तरफ से एक एप्लीकेशन लिखा जा रहा है इन तीनों के खिलाफ, और उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई, जेल भेजने और अन्य कार्रवाई की जाएगी। ये उन्हीं के साथ में हरिद्वार में यहाँ वहाँ, और अभी भी ये डिप्रेशन में है। इनके इलाज की आवश्यकता है, जो इन्होंने खुद स्वीकार किया है। अभी तक कितना पैसा ले चुके हैं? 3.5 लाख रुपया ये ले चुके हैं और आगे भी लेने की योजना।